नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बड़ी खबर, ताजमहल में सर्वे की मांग को लेकर याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल याचिका दायर की गई थी जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की बात कही गई थी और उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। दरअसल ताजमहल को लेकर भी विवाद देश में गरमा रहा था और बात हो रही थी 22 कमरों की, जिक्र हो रहा था उन 22 कमरों का जो कि बंद पड़े हैं, उन्हें खुलवाने की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की थी और इस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और फटकार भी याचिकाकर्ता पर लगाई थी इस मामले में। यह कहा था कि अगर इतिहास पढ़ना है तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इतिहास पढ़िए, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, उसके बाद आप कोर्ट में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह भी हाई कोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया था। तो आपको बता दें कि इस याचिका को अब ठुकरा दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। दरअसल ताजमहल के 22 कमरों को खोलकर उसके सर्वे कराने की बात की जा रही थी, मांग की जा रही थी और इसीलिए इस याचिका को दाखिल किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और यह भी कह दिया है कि पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाइए। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से। विशाल, डिटेल जानकारी दीजिए, कोर्ट ने क्या क्या कहा इस मामले में। देखिए प्राची, अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह थे और उनकी तरफ से जो उनके अधिवक्ता हैं रुद्र विक्रम सिंह, वो कोर्ट में हाजिर हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में कोर्ट ने सुबह जब 11 बजे सुनवाई शुरू की और इस मामले में याचिकाकर्ता के साथ साथ जो उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए थे उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी। हालांकि जब तक फैसला न हो जाए तब तक कुछ भी एजम्पशन करना मुश्किल होता है कोर्ट के मामले में। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि पीआईएल जो कोई भी जनहित याचिका होती है वो इसलिए होती है ताकि लोगों को उससे फायदा मिले, बल्कि उसका मजाक ना बनाया जाए, ये एक बड़ा स्टेटमेंट था कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि आप पहले अध्ययन करके आइए कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था और किस सन में ये निर्माण हुआ था, उसके बारे में जानकारी लेकर के आइए। ये भी कहा गया था कि अगर आप शोध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप विश्वविद्यालय जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए और वहां पर शोध करिए। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप कोर्ट में बताइए, लेकिन आपके मुताबिक किसी भी इतिहास को नहीं पढ़ा जाएगा। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट था कोर्ट की तरफ से कि जैसा याचिकाकर्ता स्टेटमेंट चाह रहा था, जैसा वो बातों को बता रहा था, कोर्ट उस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उसको खुलवा करके एएसआई के जरिए जो सर्वे कराने की बात कही गई थी ताकि उसका सच सामने आ सके, इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब इस पूरी एप्लीकेशन को, जो याचिका दाखिल की गई थी, पीआईएल दाखिल की गई थी, इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा और लखनऊ बेंच ने अब से कुछ देर पहले इसको खारिज कर दिया है। ताकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये पता लग सके कि कोर्ट ने एग्जैक्टली जजमेंट में क्या बातें बोली हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ताजमहल को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका को कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है बल्कि पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल विशाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने और इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि पीआईएल व्यवस्था को मजाक ना बनाएं और इतिहास को लेकर भी कहा है कि अगर इतिहास पढ़ना है, रिसर्च करना है, तो किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इतिहास पढ़िए और आपके मुताबिक इतिहास नहीं लिखा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।